This is the future. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, गेमिंग साइट पे आप सबका वेलकम है। फार्मिंग सिमुलेटर 22 के सिंगल प्लेयर गेम प्ले में भी आपका वेलकम है। तो सिंगल प्लेयर गेम प्ले भी हम सीरीज़ छोड़ देने वाले, बस मल्टीप्लेयर की वजह से थोड़ा सा जो है वो मिस आउट हो रही है आजकल। लेकिन सिंगल प्लेयर हमारी ये अल्मक्रीक की जो सीरीज़ है वो भाई कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही। सो आज के गेम प्ले में मैं जब घुसा हूँ गेम प्ले में, एक तो दो तीन दिन के बाद जो है वो जब बंदा घुसता है ना तो पता ही नहीं होता कि क्या क्या होने वाला है क्या क्या नहीं। तो मुझे कुछ इतना ख़ास आइडिया नहीं था कि क्या क्या करने वाला है, बट जैसे जैसे मैं थोड़ा सा खेलता गया गेम जो है वो थोड़ी सी समझ में आती गई कि भाई क्या क्या काम जो है वो करने वाला है। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे ना खलारा पड़ा हुआ है, ठीक है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई ये प्लॉज वगैरह जो भी मतलब कि ना गंद पड़ा हुआ है लिटरली, और ये मतलब कि चीज़ें यहाँ पे एक्युमुलेट होती गई और मैंने उठाई नहीं तो ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, आज के गेम प्ले में स्पेशल चीज़ है ये वाला गियर शिफ्टर, जिसकी अनबॉक्सिंग आपने काफ़ी दिन पहले से जो है वो देख ली होगी। तो रीज़न क्या थी ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, माइक थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ, मुझे बोलने में था कि थोड़ी सी आसानी हो ना। वाई दी रीज़न कि मैं ये वाला शिफ्टर क्यों नहीं यूज़ कर रहा था, दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो हम मल्टीप्लेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सिंगल प्लेयर पे कम। तो मल्टीप्लेयर में ऑलरेडी जो है वो लैग की वजह से गेम प्ले हमारा काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होता है। तो उसमें अगर हम मैं पर्टिकुलरली जलानी भाई के पास भी स्टीयरिंग व्हील है, तो अगर हम ये स्टीयरिंग व्हील शिफ्टर यूज़ करते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, तो बहुत स्लो पेस्ड गेम प्ले हो जाएगा मज़ीद, और लैग ऑलरेडी होता है गेम प्ले में, तो इसकी वजह से फिर जो है वो मज़ीद गेम जो है वो हमारे लिए खेलना मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो ये रीज़न होगी। दूसरा, गेम में हर ट्रैक्टर ये वाला सपोर्ट नहीं करता, कोई कोई ट्रैक्टर सपोर्ट करता है, और जो जिनमें हो है भी मैनुअल का ऑप्शन, उसमें भी आप जो है वो अगर गियर शिफ्ट करते तो उनकी जो है वो गियर शिफ्टिंग का पैटर्न डिफरेंट है, वो इसके साथ काम नहीं करते। तो टोटल गेम में 5-6 ट्रैक्टर्स हैं जिनको आप ये वाला शिफ्टर यूज़ करके चला सकते हो, उनमें से भी ज़्यादातर जो है वो छोटे ट्रैक्टर्स हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं, होपफुली फ्यूचर में गेम प्ले में जो फ्यूचर अपडेट्स में ये चीज़ जो है वो ज़्यादा ट्रैक्टर आएंगे हमारे पास जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन सपोर्ट करते होंगे, और मे बी मोड्स भी आएंगे तो वो हम चीज़ें टेस्ट आउट करते रहेंगे। तो आपको पता है मल्टीप्लेयर हम बेयर मिनिमम मोड्स के साथ जो है वो खेल रहे हैं, सो यू नो। तो एनीवेज बहुत टाइम ज़ाया करता हूँ मैं एक तो मैं बातों में। तो ये हमारे पास ट्रैक्टर मैसी फर्गसन का 3670 ये सपोर्ट करता है, ठीक है, ये मैनुअल शिफ्टिंग, और एक ये ट्रैक्टर है ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, या उतने अच्छे से नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लिटरली मैंने क्लच दबाया हुआ है ये गेम में। एक और मसला ये भी है कि गेम में ये बार बार जो है ना क्लच भैया डिसेबल हो जाता है। तो ये मैंने अभी, ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो अभी 6th गियर है ट्रैक्टर का, लेकिन ट्रैक्टर की स्पीड जो है वो 6 के ऊपर रहेगी, ये डिफरेंट जो है वो शिफ्टिंग पैटर्न की वजह से है, ठीक है। इसमें मेरा या स्टीयरिंग व्हील का कोई कसूर नहीं है, हालांकि ये ट्रैक्टर मतलब मैनुअल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, रिवर्स कर लेते हैं। तो ओके, तो अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो मतलब ये ऐसा है गाइस कि काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं इसको यूज़ करते हुए। तो मैं भी थोड़ा सा भी इतना कोई यूज़ नहीं किया, ठीक है, कुछ मुझे भी इतना आइडिया खास नहीं है किसको कैसे यूज़ करना है। तो ये ट्रैक्टर तो जो है वो आपके सामने ही यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, इसको पता नहीं क्या अजीब से गियर्स हैं इसके, पूरे नहीं आ रहे। 6th गियर में भी स्पीड आप देख सकते स्लो है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ये ट्रैक्टर है, इसको अगर हम यार ये पता नहीं क्या इस गेम का मसला है, कोई ग्लिच आया हुआ है पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये इस तरह के मसले मसाइल जो आते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर है ये बिल्कुल जो है वो सही काम करता है। एक दो और ट्रैक्टर हैं जो बिल्कुल सही जो है वो गियर्स के मुताबिक चल रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 2nd गियर शिफ्ट किया तो ट्रैक्टर की स्पीड जो है वो आपको काफ़ी नज़र आएगी। फिर इसी तरह 3rd अगर मैं शिफ्ट करता हूँ और फिर 4th, और मेरे ख्याल से इसके मैक्सिमम 4 ही गियर्स हैं, या मे बी 5वां भी होगा, नहीं 4 ही गियर्स हैं। तो मेरे ख्याल से इस ट्रैक्टर के या होने चाहिए एक्स किससे ज़्यादा
तो यार ये मतलब ना गेम बड़ी खुद मतलब बड़ी कंफ्यूजिंग है। और ये एक इसका ना ये क्लच पता नहीं क्यों नहीं ये रजिस्टर करती, ठीक है। तो इस वजह से मतलब इस तरह के बड़े मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से भैया मैं जो है वो गेम प्ले नहीं बना पाया इसके साथ, शिफ्टों के साथ। और 90% ट्रैक्टर्स तो वैसे भैया ऑटोमेटिक हैं, आपने लिए लगाया है या नहीं लगाया घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है वो ऑटोमेटिक ही ड्राइव करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें जो है वो क्योंकि रियल ब्रांड्स हैं तो डेवलपर्स ने ज़बरदस्ती उनके साथ की नहीं भैया, तो इसलिए वो आप जो है वो उनमें मैनुअल मोड यूज़ कर ही नहीं सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लें यार प्लीज़। ये देखो अभी जैसे पता नहीं क्या है कि इसमें है ना ये क्लच खुद ब खुद जो है वो मसला करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे देखो जब भी ये इसमें कोई ग्लिच आता है क्लच में, तो मैं जो है वो भैया फिर इसको जो है वो ऐसे मतलब के सेटिंग में जाके फिक्स करता हूँ। तो चलो चलते हैं जैसे तैसे करके। तो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, आप लोग हर रोज़ ही देखते हो तकरीबन, ये इस साइड पे मैंने लगा के रखा था ताकि ज़्यादातर लोगों को नज़र भी ना आए। दूसरी रीज़न ये थी क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि गाड़ियाँ जो है वो उल्टी डायरेक्शन में हैं, तो वेस्ट में, तो वेस्ट के मुताबिक तो ये इसकी गियर की लोकेशन ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री के मुताबिक ये लोकेशन जो है वो ठीक नहीं है। तो ये मैंने उल्टे हाथ पे लगाया हुआ है, और क्योंकि उधर जगह नहीं है इतनी, हम मोस्टली इस कैमरा एंगल से जो है वो लेते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह, तो इसलिए यही मतलब कि मैं यूज़ कर सकता था, तो आज इसलिए मैंने इसको इस तरफ लगाया। तो यूजुअली मैंने उस तरफ लगाया था, कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेनी, आपके भाई ने ये ले लिया तो फ्यूचर में जो गेम्स आएंगी हम ज़रूर खेलेंगे इसके साथ, ठीक है। तो कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग गेमिंग साइट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में ऑसम किस्म का कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने फील्ड में, ठीक है। रिसेंटली हमने पिछले गेम प्ले में कुछ क्रॉप्स हार्वेस्ट की थी, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कुछ ज़्यादा गेम खेली नहीं सिंगल प्ले वाली, तो बड़ा एक तो मैं आजकल जो है वो क्या बोलते हैं यार उसको, सुस्त हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा यहाँ पे पीछे से एक सड़क जाती थी, तो मेरे ख्याल से मैंने वो सड़क जो है वो मिस कर दी है, तो अब इस तरफ से जो है वो जाना पड़ेगा गलत रास्ते से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब क्या ना वीड्स जो है वो भरी पड़ी हैं। दूसरा गियर भी लगा ही लेते हैं, अब क्यों ट्रैक्टर का बेचारे का इतना जोर लगाना। तो ज़्यादातर अगर आप मतलब काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको पहले दूसरे गियर की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें ये तो नहीं है कि आप जो है वो ये न्यूट्रल, ये चेंज की डायरेक्शन, क्योंकि इसमें ना रिवर्स करने का भी बड़ा मसला है यार, ठीक है। इतना आसान नहीं है, इसको पूरी की पूरी जो है वो गियर्स की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि गाड़ियों में सिर्फ एक गियर होता है रिवर्स का, इसमें रिवर्स के भी उतने गियर निकल आते हैं, तो इस वजह से हमें पूरी की पूरी जो है वो ड्राइविंग डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ती है। सो इस फील्ड में हम लोग, ओ नो नो, तो भाई ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर निकल आया, और मैं इसको जो है वो क्लच दे के जो है वो चला रहा हूँ। वाह यार मतलब आई कैन नॉट बिलीव दिस, मतलब मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ तो ट्रैक्टर जो है वो थोड़ा सा आगे चल रहा है, और अगर मैं क्लच से पैर उठा दूँ तो ट्रैक्टर जो है वो रुक जाता है वहीं पे। सो ये ट्रैक्टर गाइस यहाँ पे है जी अंडर पावर काफ़ी ज़्यादा, तो इसको हम जो है वो साइड पे करते हैं। नो अब यार क्या प्रॉब्लम है, ये देखो फिर से मतलब क्या ना इसने रजिस्टर करना जो है वो क्लच बंद कर दिया है, तो ये गेम में आई डोंट नो लॉज, तो ये आई डोंट नो गेम में क्या मसले मसाइल हैं भाई, मुझे नहीं पता है डेवलपर्स ने क्या किया है। आई गेस कि गेम को जो है वो एक अपडेट की शदीद किस्म की जो है वो ज़रूरत है, तो अपडेट के बगैर जो है वो काम बनने वाला है नहीं।
तो ये था एक्सपीरियंस, ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नॉट सो ग्रेट, बट ऑब्वियसली ओवर द टाइम विद अपडेट्स और मूड्स के साथ जो है वो हमारी ये चीज़ फिक्स हो जाएगी होपफुली। तो अब मैं इसको बंद करने लगा हूँ क्योंकि भाई हमने गेम प्ले भी बनाना है कुछ सीरियस, इसके चक्करों में पढ़ के जो है वो हमने मज़ी टाइम ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ पे पिछले गेम प्ले में आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है वो सोरगम हार्वेस्ट कर रहे थे और ये इस ट्रेलर में पड़ी है मैसिव फर्गसन के ट्रैक्टर के पीछे, इसको भी हमने सेल करना है। तो प्राइस चेक कर लेते हैं कहाँ पे जा रही है सबसे बेस्ट प्राइस फॉर द सोरगम। सोरगम क्या अजीब सा नाम है। ओके सो वी आर गेटिंग गोल्ड क्रेस्ट वैली, बेसिकली ये ट्रेन स्टेशन पे सेल होगी, गोल्ड क्रेस्ट वैली का मतलब यही है, ठीक है। तो अदरवाइज ग्रेन मिल पे नहीं, जॉनसन्स फार्मर्स मार्केट पे मेरे ख्याल से सेकंड बेस्ट प्राइस है, ठीक है। तो इधर हम कर देते हैं टैग और अब हम देखते हैं कि ये जगह है कहाँ पे, एक्चुअली में कहाँ पे ब्लिप कर रही है अभी, कहीं ना कहीं तो होगी। अभी ये क्या है, ये चेक करना पड़ेगा। ओके हम हैं जी यहाँ पे, हमें जाना है ये सेलिंग स्टेशन पे, तो हम पहले भी गए थे, जा चुके हैं भाई। अच्छा भाई डजेंट मैटर, अब हमने ऑटोमेटिक ड्राइव ऑफ ऑन कर लिया, लेकिन अगर ऑफ भी होता मैनुअल विद क्लच होता तो फिर भी इस ट्रैक्टर ने ऑटोमेटिकली ही ऑटोमेटिक चलना था क्योंकि ये ऑटोमेटिक है ट्रैक्टर, ठीक है, इसको आप ड्राइव कर ही नहीं सकते गियर लगा के। तो ज़्यादातर यहाँ पर मशीन्स जो हमारे पास खड़ी हैं वो सारी की सारी जो है वो ऑटोमेटिक हैं, मोस्ट ऑफ दी व्हीकल्स, इवन जो ट्रैक्टर्स हैं उनमें 90%, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 90% ट्रैक्टर्स जो हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हैं, सिर्फ जो है वो 10% हैं और उनमें से भी 5% जो है वो इस पर्टिकुलर गियर या शिफ्टर के साथ कंपेटिबल हैं, बाकियों की कोई अलग ही किस्म की जो है वो शिफ्टिंग मैकेनिज्म है जो कि मेरी समझ से बाहर है टू बी ऑनेस्ट, और मे बी उनका कोई और प्रोसीजर होगा गियर वगैरह लगाने का, आई डोंट नो, बट द थिंग आई नो कि आई कैन नॉट मेक देम मूव, और वो चाहे जितने भी गियर लगा लो आप, पाँचवा छठा जितना भी आप कौन सा भी गियर लगा लो, उनकी स्पीड जो है 10 के ऊपर जाती नहीं है। सो दैट्स अ बिग थम्स डाउन फॉर द मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफ दिस गेम, रियली सक्स। एंड आई गेस के डेवलपर्स को चाहिए कि वो जो है वो एक प्रॉपर ट्यूटोरियल यहाँ तो रखें जब भी कोई बंदा मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ जाए, यहाँ पे बताएं कि भाई इसको आपने कैसे साइन करना, मतलब कहीं पे देर इज़ नो गाइड एनी वे अबाउट मैनुअल ट्रांसमिशन इन द गेम, ऑल्दो दे ब्रिंग इट इन द गेम बट दे नेवर गेव अस एनी गाइड ऑन हाउ टू सेट अप फॉर द मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड ओके तो ये भाई पेडिस्ट्रियन जा रहा था बंदा, यहाँ पे बंदी थी, सॉरी बंदा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया मुझे, तो मुड़ गई वो ट्रैक्टर देख के हमारा। फार्मर्स की लगता है कहीं पे भी इज्जत नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, फार्मर्स के सर पे भाई पूरी दुनिया कायम है, फार्मर्स ख़त्म हो जाए तो पूरी दुनिया भूख से मर जाएगी। सो मेरे दिल में तो फार्मर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इवन दो आई एम नॉट अ फार्मर बट आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर फार्मर्स इन माय हार्ट, आई रिस्पेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, और ऑब्वियसली विदाउट फार्मर्स हम लोग जो है वो एज अ सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फार्मर ग्रोज एवरीथिंग फॉर अस, और सबसे ज़्यादा लाइफ जो है मेरे ख्याल से फार्मर की ही डिफ़िकल्ट है आजकल, पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में। सो ज़्यादातर कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से फार्मर्स जो हैं वो उनको ज़्यादा चैलेंजेस सामना करना पड़ रहा है फार्मर्स को। एनीवेज लेट्स होप फॉर द गुड गाइस, और अच्छे दिन जो है वो आएंगे सबके लिए आएंगे होपफुली। सो लेट्स गो बैक टू द फार्म और फिर हम लोग जो है वो प्लोइंग करेंगे ऑब्वियसली विद दिस ट्रैक्टर। वैसे मैंने अपना एक ट्रैक्टर जो है वो सेल किया, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब मैं एक और ट्रैक्टर ले लूँ, क्योंकि हम एक दो मशीन ही हैं हमारे पास, तो वो काफ़ी देर से हम लोग जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, सो वी शुड रियली रियली अपग्रेड, और हमें कोई और ट्रैक्टर भी जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए ये मेरे अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सा ट्रैक्टर लिया जाए। सो आई जस्ट होप कि हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं।
गलत रास्ते देने जा रही है। यार ये ट्रैक्टर बहुत गंदा हो रखा है, इसको जाके मैं ना धोता हूँ अच्छे तरीके से, धोने वाला हुआ पड़ा है ये ट्रैक्टर। मेरे ख्याल से न्यू हॉलैंड होना चाहिए या फिर जॉन डियर, हम रिसेंटली ड्राइव किया, मैंने रिसेंट ट्रैक्टर जो है वो अपने जॉन डियर का सेल किया। सो मे बी केस या फिर न्यू हॉलैंड, इन दोनों में से कोई एक ट्रैक्टर हम लेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर, या मे बी JCB। सो वी नीड टू सी, तो शॉप पे जाके देखते हैं, जो थोड़े पैसों में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता हुआ वो ले लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। भैया भैया हमने जो है वो अपने एनिमल्स को जो है वो फीड करना है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी बुरी हालत हो रखी है। सो यहाँ पे मैंने अभी पता नहीं अपना वॉशर कहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इफ़ आई कुड फाइंड माई वॉशर, तो इसको यहाँ पे हम रोक देते हैं, रख देते हैं। तो इसको भी हम जाके अपने प्लो के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई मैसी वाला ट्रैक्टर तो जो है वो अंडर पावर निकला, और ये फ्यूल स्टेशन के ऊपर जो है वो खड़ा है, गैरिसन फ्यूल स्टेशन के ऊपर। तो हमें कोई तगड़ा ट्रैक्टर चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी तगड़ा है। सो दिस ट्रैक्टर कैन ईजीली पुल दिस कल्टिवेटर, भाई ये कल्टिवेटर काफ़ी है, डीप जाते हैं, डीप प्लोइंग करते हैं। तो इनको जो है भैया बीफी किस्म के ट्रैक्टर्स चाहिए, छोटे मोटे ट्रैक्टरों से इनका कुछ काम जो है वो निकलने वाला नहीं है। सो ये हो गया जी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा खुद करते हैं कल्टीवेट, और क्योंकि हमने पिछले गेम प्ले में कल्टीवेशन की थी, तो मैं आपको ये ज़्यादा दिखा के ये पकाना नहीं चाहता, तो इसको हम यहाँ पे हेल्पर हायर कर देते हैं। बहुत अथरा किस्म का हेल्पर है भाई, फौरन रुक जाता है जैसे ही आ गया। तो पत्थर यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई क्या करें यार, पिक कर लें या नहीं, कोई ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है। चलो देखते हैं, अगर ज़्यादा ही महसूस हो रहे हुए तो हम पिक भी कर लेंगे। अच्छा जी, मीडियम ट्रैक्टर्स में देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि बड़े ट्रैक्टर ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ न्यू जो है वो ब्रांडेड ट्रैक्टर्स भी हैं यहाँ पे, और ये लिस्ट फोर 384 हॉर्स पावर। अच्छा यहाँ पे सेल भी लगती है यार, वहाँ पे चेक करते हैं। ओके महिंद्रा रिट्रीवर है। ओके आई रियली वांट दिस थिंग, लेकिन चलो यार बाय कर लेते हैं, अच्छी डील मिल रही है वैसे भी। और एक फ्लैट बेड ट्रेलर था जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, सो आई डोंट नीड दिस। और वो महिंद्रा रिट्रीवर जो है वो हमने ले लिया है। एनीवेज बैक टू द ट्रैक्टर, ज़्यादा कुछ था नहीं सेल पे। पेंट 900 वैल्यू है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से। नहीं थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, पर्टिकुलरली ये JCB के मुकाबले में। अच्छा यहाँ ये 2,90,000 में हमें दे रहा है 348 हॉर्स पावर, और ये 2,80,000 में हमें दे रहा है 326 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर वाइज भाई इसमें काफ़ी कम हॉर्स पावर है, और ये दे रहा है हमें 2,95,000 में। ओके मेरे ख्याल से JCB ले लेना चाहिए, वैसे इसका थोड़ा सा टर्निंग रेडियस जो है वो ओके तो हम इसका कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते, इन टायर्स में हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, वाइट टायर्स। वाओ लुकिंग गुड, लुकिंग गुड, लेट्स गेट दिस ट्रैक्टर। और इसको क्योंकि हमने जो है वो यूज़ करना है ज़्यादातर, किधर गया भाई, ये रहा। ओके तो अरे यार इसको लेके जाना था अभी पहले, और इसकी ज़्यादा स्पीड अबे 43 ठीक ही है तकरीबन यार, एटलीस्ट जो छोटा मैसी फर्गसन का ट्रैक्टर हम लेके जा रहे थे उससे तो काफ़ी बेहतर थी। तो चलो इसको पहले लेके चलते हैं फार्म पे, ठीक है। ये मशीन है, मिक्सर मशीन इसको बोलते हैं, इसमें आप TMR बना सकते हैं, और ये सेल्फ फीडिंग है, ठीक है। अगर आपके पास साइलेज वगैरह बनी पड़ी है तो वहाँ पे भी उठा सकते हैं, वरना आप इसमें बेल्स भी जो है वो फीड कर सकते हो, तो आपको मैन्युअली एक एक करके बेल उठा के रखने की ज़रूरत नहीं। तो
मैं क्योंकि मल्टीप्लेयर में लैग काफ़ी आता था, तो मैनुअली हम काम जो है वो उससे बचना चाहते थे, तो वहाँ पे यूज़ कर करके आई एम नाउ यूज्ड टू दीज मशीन्स। ठीक है, वो जो ट्रैक्टर के पीछे डलती हैं उनसे अब दिल खट्टा हो चुका है, तो ये ज़्यादा कर यूज़ करने को दिल करता है, तो इसलिए अब हम लोग जो है वो मैंने जो है वो सोचा कि सिंगल प्लेयर में भी यार यही मशीन पे अपग्रेड करूँ। बस कंपनी डिफरेंट है, ये कून की तरफ है, वो जो है वो एक न्यू ब्रांड था, अब आई डोंट नो, जस्ट फॉरगॉट इस कंपनी का नाम भूल गया मैं, लेकिन बट आई गेस इट रियली डजंट मैटर। ले दे के थोड़ा बहुत कैपेसिटी का फ़र्क होता है, बाकी ब्रांड तो जो है वो अनलेस के आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं एक ब्रांड को, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग जो है वो साइलेज फीड करते हैं, पाइप को पहले अनफोल्ड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे साइलेज जा रहा है इसके अंदर, तो हमने इसको 50% करना है साइलेज के साथ, 50% हम इसमें हेयर डालेंगे, और जो एक है इसका यार मिनरल फीड, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सर्च किया है रेडिट पे अच्छे से सारा देख किया, तो एम ही एक चौंचला है, अगर आपने करना है तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ मिनरल फीड का कोई इतना यूज़ नहीं है इस गेम में, तो ना ही कोई वो मतलब काउस की प्रोडक्टिविटी किसी भी तरह से मिनरल फीड से जो है वो अफेक्ट होती है। सो अगर आपने एक एक्स्ट्रा जो है वो स्टेप इन्वॉल्व करना है खाम खा का, तो आप डाल दें मिनरल फीड, बट अदरवाइज़ इट्स यूज़लेस। तो चलो 60% जो है वो हम यहाँ पे साइलेज कर लेते हैं बस भाई, और बाकी ये हम इसमें जो है वो हे अनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें तो हे वैसे इतना चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो फॉर द सेफ साइड इसको अब बाकी जो है वो हे से फिल करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं इसका फार्मूला आपके सामने, दोनों बार्स जो है वो भी ग्रीन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें फीड कर रहे हैं, सो यू कैन सी 25,000 लीटर्स जो है वो टोटल कैपेसिटी है, और यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो इनकी कैपेसिटी वाकई में थोड़ी सी बेहतर होती है, जो पीछे आप डालते हैं अपने ट्रैक्टर के मिक्सर वैगन उनसे इनकी कैपेसिटी थोड़ी सी बेहतर होती है। सो दैट्स द सेकंड रीज़न व्हाई आई लाइक टू यूज़ दिस मशीन। और इनमें आप स्ट्रा वगैरह सारी चीज़ें जो वो डाल सकते हैं, तो ये भी नहीं है कि भी बस ये दो चार ही यूज़ हैं इनके, कुछ भी मतलब आप डाल सकते हैं। और ये अनलोड का ऑप्शन नहीं अभी आ रहा है यहाँ पे, राइट साइड पे है क्या? ओके, चेंज, अब आया भाई ऑप्शन, वो पहले दूसरी डायरेक्शन में था भाई। अच्छा यहाँ पे लो जी, ये देख लो, कर लो बात गाइस, इस तरफ से मतलब अनलोड का ऑप्शन आ रहा है। होते यार जो करीब वाली साइड से उधर थे, उधर से आ नहीं रहा था, जो दूसरी साइड थी वहाँ पे आ रहा था। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस गेम। तो मेरे ख्याल से जितनी हम ये अनलोड कर चुके हैं, ओके आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, आई वाज एब्सोल्युटली एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतने से भर जाएगा, क्योंकि ये भाई छोटा काउ फार्म है हमारे पास, ये बड़े वाला नहीं है। तो 28,000 लीटर्स जो है वो टोटल 33,000 लीटर्स बेसिकली इसकी कैपेसिटी है फीडिंग ट्रॉफ की, और हमने यहाँ पे क्योंकि 5,000 ग्रास भी अनलोड किया हुआ, तो अब टोटल कंबाइन होके जो भी है यहाँ की कैपेसिटी बन रही है। स्ट्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो स्ट्रा अनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हमारी वूल शीप जो है वो ऑलरेडी उनके पास मेरे ख्याल से ठीक ठाक फूड है, चाहें तो हम अगले गेम प्ले में जो है वो इनको फीड कर सकते हैं। चिकन्स की फीड थोड़ी सी येलोइश है, तो चलो चिकन्स को थोड़ा सा हम लोग जो है फीड करें, तो इसको जो है मैं यहीं पे ही रहने देता हूँ। तो चिकन्स, ठीक। तो अभी हम चलते हैं ये जेसीबी का ट्रैक्टर लेके। ओके, सो आज के गेम प्ले में हमने जो है वो शुगर केन्स प्लांट करने हैं भाई, शुगर केन्स।
शुगर केन टेक्नोलॉजी। और ये 2 रो बिल्ट प्लांटर ले लेंगे भाई हम यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे भाई। कितना महंगा है यार ये, और हमने इसको यार जस्ट 1 टाइम यूज़ करना है। सो व्हाई डू वी परचेज दिस व्हेन वी कैन लीज दिस सिंपली। पैलेट्स पैलेट्स पैलेट्स, शुगर केन शुगर केन शुगर शुगर केन। और ये 2 4 पैलेट्स, मे बी 3 पैलेट्स, और अगर मज़ीद चाहिए हुए तो हम लोग जो है वो। ओके व्हाट, देखते हैं कितनी कैपेसिटी है। अच्छा, इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र जाएगा या लिक्विड फर्टिलाइज़र? ओके 25%, मतलब और पैलेट्स हम इसमें लोड कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये गया दूसरा पैलेट, और नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड पैलेट। यार कसम से मैंने बहुत गंद डाला हुआ है यहाँ पे, सीरियसली। एक और पैलेट मेरे ख्याल से हमें बाय करना पड़ेगा। यस, और वी नीड अनदर पैलेट। यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जाएगा या सॉलिड फर्टिलाइज़र जाएगा, क्या जाएगा इसके अंदर? या मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एक, मतलब ऑलरेडी 2 पैलेट्स पड़े हुए हैं और एक तीसरा भी आ जाए फ्री में। चलो तो हम इसका आइकन देखते हैं, आइकन के मुताबिक जो चीज़ बाय करते। अच्छा जी, ये है सॉलिड फर्टिलाइज़र। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, तो ये हैं। ठीक 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 भाई, ठीक बॉस, ठीक हो गया बॉस। बॉस हमें ये 2 पैकेट दे दो तुम, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना इसमें जाना नहीं है। और अगर ये इसने अभी अनलोड ना करवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मान गया भाई, अनलोड करवा रहा है ये। मतलब ये क्या चुलसीन हुआ, बाकी जो पड़ा है उसका मैं क्या करूँगा यार। अजीब कसम से इस बार तो ना गेम। चलें, अभी हम क्या कर सकते हैं भाई। डेवलपर्स ने बनाई है ऐसे, तो फुल हो चुका है सीट। इसको अभी मैं लेके जा रहा हूँ, एक हमारा फील्ड है इस तरफ। ओ भाई, ये जेसीबी की स्पीड चेक करो भाई, बाकी बातों को गोली मारो, ये जेसीबी की स्पीड चेक करो। 73, ओ माय गॉड। और ये सीडर के साथ 73 पे पहुंच भी गया, वाह। मेरे ख्याल से जेसीबी के ट्रैक्टर इस मामले में ज़बरदस्त है, टॉप स्पीड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। मतलब स्पीड चेक करो यार, वाह। और ऑब्वियसली इतने बुरे भी परफॉर्म नहीं करते होंगे ये फील्ड वर्क में। पता नहीं ज़्यादातर लोग जो है वो क्यों नहीं यूज़ करते जेसीबी के ट्रैक्टर्स। आई एम रियली सरप्राइज ना, करने चाहिए यार यूज़, इतने बुरे नहीं है ये। सो लेट्स गो लेट्स गो 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 गो। ओ भाई, हैवी 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 हैवी। लो जी, ये आ चुके हैं। और यहाँ पे एक है ना वो जीपीएस स्टीयरिंग व्हील टाइप समथिंग मोड शूड होता है, जो कि अबे इसका क्या अनफोल्ड करना। अच्छा ठीक, तो वो मतलब होता तो मेरे ख्याल में बेस्ट था। हाय, वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस? अरे भाई, खेल क्या किधर है ये? मतलब व्हाई, ये मैं शुगर केन ही प्लांट कर रहा हूँ ना यार, है तो शुगर के, खेलिया किधर है? अबे चेंज कर दिया क्या? OMG, अरे भाई इतना बड़ा चेंज। अरे भाई, मेरा तो आधा मज़ा ख़त्म हो गया यार ये प्लांट करने का शुगर किंग्स। अबे पहले इतनी ज़बरदस्त सी, सेटिस्फाइंग सी वो खेलियाँ बनती थी,
अब ये ऐसे लग रहा है जैसे कॉर्न प्लांट की हुई है, मतलब पता नहीं भी क्या कर रहे हैं डेवलपर्स। मतलब अभी कोई ग्लिच तो नहीं है गेम में? आई डोंट नो गाइस, आई एम रियली 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 डिसअपॉइंटेड। मतलब खेलियाँ होनी चाहिए थी यार यहाँ पे, इतने परफेक्ट किस्म की। यहाँ पे अभी तो मज़ा आना था यार, वो क्या बोलते हैं उसको, वो देखने का पैरालेक्स ऑक्लूजन मैपिंग। यार कसम से मेरी डिसअपॉइंटमेंट का लेवल ना पूछो अभी आप लोग, कितना डिसअपॉइंट हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। नो वे, चलो कोई बात नहीं, अभी हमने भाई शुगर बीट प्लांट करने, डोंट वरी। वहाँ पे नहीं, शुगर बीट पे मेरे ख्याल से नहीं आएंगे अभी, सिर्फ वो जो है वो आलू अगर हम प्लांट करेंगे ना तो शायद वहाँ पे ही आएंगी खेल में। तो चलो यार, मर्जी है डेवलपर्स की। मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे खेलियाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और खेलियाँ हमें जो है वो मिली नहीं, नज़र नहीं आई कहीं पे भी। तो चलो भाई, डेवलपर्स की मर्ज़ी, अब हम क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा फील्ड है इसमें, ऑब्वियसली हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको प्लांट करते हुए। तो करते हैं इसको प्लांट, और बल्कि हेल्पर हायर कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं तो आया था भाई यहाँ पे खेलियाँ देखने, वो हमें यहाँ पे मिली नहीं। उफ़, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। ओके, तो ये बंदा भी अभी कर रहा है, ठीक है, हार्वेस्टिंग, मतलब ये बंदा भी अभी कर रहा है प्लोइंग, डीप प्लोइंग। और यहाँ पे जितने पत्थर पड़े हुए हैं मेरे ख्याल से हमें जो है वो कर ही लेने चाहिए स्टोर। और यहाँ पे हमने एक और ट्रैक्टर लिया था, ये भद्दा सा, इसके पीछे अभी हम लोग जो है वो स्टोन पिकर डालते हैं और स्टोन पिकिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। इसको अभी किसी न किसी काम पे तो लगाना ही है ना भाई, और मेरे ख्याल से स्टोन तो पिक कर ही लेगा ये वाला। चलो इसको करते हैं हम लोग, इधर लगाते हैं। अबे पर्सपेक्टिव का तो बिल्कुल ही ख्याल ही नहीं रहता यार ना बेसिकली। वैसे इसके गियर लगते नहीं है, लेकिन अब चलते वक्त इसने एट में ऐसे करनी है कि जैसे वाकई में इसके गियर जो है वो चेंज हो रहे हैं, ये देखो। चलो अच्छी चीज़ है वैसे, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर लगा मुझे ये। ओ भाई धंधे वाला टूटने लगे थे हमें। चलो स्टोन पिकिंग में भी ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लगने वाला है, तो चलो स्टोन पिकिंग भी जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। अभी हमारे दो फील्ड पड़े जहाँ पे हमने जो है वो प्लांट की थी सोरगुम, वो अभी हार्वेस्टेड है, और वहाँ पे हमने भाई ये सारा प्रोसीजर करना है अपना, क्रॉप्स वगैरह प्लांट करने वाला। तो किधर को जाती, अबे यार ये सड़क इतनी छोटी सी इन्होंने बनाई हुई है, नज़र ही नहीं आती हर बार। चलो गुड थिंग कि ये ट्रैक्टर ऑटोमेटिक था, जल्दी हम लोग जो है वो संभल गए। और अभी यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए स्टोन पिक करेंगे। लो जी, ये प्रोसेस हो चुका है जी स्टोन पिकिंग का शुरू। नहीं, हैवी स्टोन है इस बार, मतलब इनको अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली, वरना हमारा ही नुकसान होना था। काफ़ी हैवी किस्म के जो है वो स्टोन थे, और आल दो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड के ऊपर जो है वो मिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा इंटीरियर तो चेक करें। ओ भाई बड़ा खुला डुला इंटीरियर है यार इसका, मतलब नीट क्लीन मॉडर्न वाइट एलिगेंट। अरे इसका वो होना चाहिए था ना सनरूफ। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी ज़बरदस्त है यार, काफ़ी ज़बरदस्त है वो। वैसे थोड़ी सी चीप चीप सी लुक आ रही है, मतलब जैसे कोई बहुत ही सस्ती किस्म की गाड़ी हो, बट यस इट्स ऑल राइट फाइन। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बल्कि नीट भी है और अमेजिंग। वाह, 390 लीटर स्टोन जो है वो हमारे पास हो भी चुके हैं यहाँ पे। अच्छा आपको पता है आप ये स्टोन जो है वो सेल भी कर सकते हैं इसमें, और मुझे ये समझ नहीं आती कि स्टोन सेल करने से क्या मिलेगा हमें, मतलब कितने के पैसे मिलेंगे, कितने का करोड़पति हो जाओगे आप पत्थर इकट्ठे करके बेच बेच के। परेशानी वाली बात है, सीरियसली
ओ भाई यहाँ पे मैं फिर से मिस जो कर रहा हूँ। लो जी ये तो तकरीबन भरने वाला है। ओके जी गाइज, गेम प्ले अपने टाइम फ्रेम तक पहुँच चुका है। मेरा प्लान था यहाँ पे आज के गेम प्ले में पोटैटोस प्लांट करने का भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फील्ड प्रेपरेशन चाहिए और उसमें काफ़ी टाइम लग जाना है। तो आई थॉट के आज के गेम प्ले यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और अगले गेम प्ले में होपफुली जो है वो हम लोग पोटैटोस प्लांट करेंगे और फिर फील्ड वर्क करेंगे। ऑब्वियसली फील्ड वर्क जो है वो इट्स नाउ नेसेसरी। तो मैं इन क्यूट क्यूट सी भेड़ों में आ चुका हूँ और काफ़ी क्यूट लग रही हैं। मैंने सोचा कि किसी अच्छी सी जगह पे जाके गेम प्ले एंड करते हैं। तो इन भेड़ों के अलावा मुझे और कोई अच्छी चीज़ जगह जो है मिली नहीं। एनीवेज आई जस्ट होप दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।